हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सचिन सक्सेना यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही कमाल के नए अपडेट। दोस्तों, अक्सर आमतौर पर हम लोग ईमेल जीमेल का यूज करते ही हैं, ऐसे में फाइनली जीमेल में एक बहुत बड़ा और बहुत ही कमाल का अपडेट आया था। ये फीचर ऑलरेडी से जीमेल के वेब वर्जन में यानी कि www.gmail.com में ऑलरेडी अवेलेबल है, अंडू का फीचर। जी हाँ, अंडू। पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है, देन उसके बाद हम जानेंगे अंडू का हम यूज कैसे करेंगे और सारी चीजें। तो जैसे कि आप कोई भी एक स्टेप ले लेते हैं, मान लीजिए कि वो स्टेप आपसे गलत हो जाता है या फिर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, तो फिर आप उस स्टेप को बैक करने के लिए या फिर एक कदम वापस से जस्ट पीछे जाने के लिए आप अंडू का यूज करते हैं। तो वही अंडू का फीचर आ चुका है फाइनली जीमेल के एंड्रॉइड ऐप में। तो अब आपको कैसे इसका यूज करना है और कैसे आपको ये फीचर मिलेगा, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फाइनली ये जो फीचर आया है अभी ऑलरेडी जीमेल के न्यू अपडेट में आ चुका है। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपके फोन में अपडेट आया है कि नहीं आया है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, अगर मान लीजिए कि वो अपडेट आपको नहीं मिलता है तो वो एक एपीके फाइल होगी, तो आप उसको ट्राई कर लीजिए और उसमें वो अपडेट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं ये अपडेट कैसे काम करेगा और आप इसका किस तरह से यूज करते हैं। जैसे आप किसी भी पर्सन को किसी को मेल करते हैं, एग्जांपल के लिए कोई ए पर्सन है वो बी पर्सन को मेल कर रहा है और अब वो चाहता है कि वो मेल गलती से चला गया है, वो उस मेल को उसे वापस करना है या फिर जो गलती से मेल भेज दिया है उसे वापस लाना है। तो यहाँ पर वो पर्सन उसको अंडू कर लेगा तो जो गया हुआ मेल है वो यहाँ पर वापस आ जाएगा, यानी कि वो उस पर्सन जो उसने मेल भेजा होगा वो उस चीज को रीड नहीं कर पाएगा, ये बोलिए कि वो मेल वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो लिमिट है वो है टाइम लिमिट, यानी कि अब आप जब भी मेल करेंगे तो आपके पास केवल जो अंडू करने का टाइम है वो है ओनली ऑन 10 सेकंड। अगर आप 10 सेकंड के अंदर ही अंदर उस मेल को अंडू कर लेते हैं तो वापस आएगा, अदरवाइज वो मेल सेंड हो चुका होगा। तो आपको यहाँ पर टाइम का थोड़ा सा लिमिट मिला है। तो फाइनली लेकिन अपडेट काफी अच्छा है क्योंकि अपडेट ऑलरेडी से पीसी में आ चुका था, लेकिन अभी तक फोन में एंड्रॉइड ऐप में आना काफी जरूरी था। तो काफी बढ़िया अपडेट आ चुका है और हवा चल रही है। चलो यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कर रहा है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो लास्ट में जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइनली लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आ चुके हैं अपने जीमेल के एंड्रॉइड ऐप पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्ले स्टोर मैंने जीमेल को ओपन किया है। अगर आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है जीमेल में तो आप सिंपली इसको अपडेट कर लीजिए, देन इसके बाद सिंपली अपने ऐप को ओपन कर लीजिए। तो फाइनली मैंने अपडेट कर लिया अपने ऐप को एंड यहाँ पर मेरी जीमेल जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ मेल और यूज करने वाले हैं अंडू का फीचर जो कि नया अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर चलिए मैं मेल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आपको सिंपली इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करना होगा मेल भेजने के लिए एंड आपके सामने मेल का स्क्रीन आ जाएगा। फ्रॉम में आपको आपका ईमेल आ जाएगा, टू में आपको उस पर्सन का ईमेल डाल देना है जिसको आपको मेल भेजना है। एग्जाम्पल के मैं कोई मेल डाल देता हूँ। आपको कोई एक सब्जेक्ट देना होता है जो भी आप मेल करते हैं, तो आपको विषय बताना होता है कि भैया आप किस बात के लिए मेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हेलो लिख देता हूँ, जेलो लग गया था गलती से, और यहाँ पे हाय, और इस एरोप्लेन बटन पे क्लिक करके आप मेल को सेंड कर सकते हैं। जैसे आप मेल को सेंड करेंगे तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ओके अभी नहीं, अभी सेंड नहीं हुआ, ओके करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेंडिंग और कैंसिल, ये देखिए मैसेज सेंड हो चुका है, तब यहाँ पर अंडू का ऑप्शन आता है और ये अंडूइंग होने लगा एंड यहाँ पर ये मैसेज जैसे अंडू हो जाएगा वापस मुझे यहाँ पर ले आता है। ये देखिए एक बार मैं फिर से आपको यही चीज करके दिखाता हूँ, मैसेज सेंड हो रहा है, सेंड हुआ और यहाँ पे जैसे मैं अंडू करता हूँ ये देखिए मैसेज अंडू हो जाता है और वापस से सही हो जाता है, वापस पहुंचा देता है। तो दैट इज द फीचर, अंडू का फीचर है ये फीचर। ओके गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया, और पास ही में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको रेगुलर वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसी तरह की टेक्निकल और टिप्स ट्रिक्स जो भी आपको चाहिए आपको भाई इस चैनल पर मिलेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा और वीडियो को शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।